सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक किसी और लैंग्वेज में। यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक लेटर है जो है लेटर टू प्रिंसिपल, और ये लेटर इंग्लिश में है। मैं इस लेटर को कन्वर्ट करूंगा हिंदी में। हालांकि लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर हिंदी में टाइपिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है लोगों को, बट यहाँ पे आप चाहे तो इंग्लिश में अपना लेटर टाइप कर सकते हैं और उसके बाद गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी और लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू हो जाए, चाहे वो बंगाली हो जाए, चाहे वो मराठी हो जाए, चाहे वो हिंदी हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज में। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप पर और देखते हैं कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को किसी और लैंग्वेज में। सब्सक्राइब करें और देखते रहे जेनरॉन टेक। 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में हमने रखा है एक कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट के मुताबिक किन ही 5 सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे ये 5 के, किन ही 2 सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे जियो के एक एक फोन, किन ही 2 सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे हजार हजार रुपए के अमेजोन के वाउचर्स, और किन ही 10 सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे 100-100 रुपए के रिचार्ज। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, दिल चाहे कमेंट करे, और शेयर करना जरूरी नहीं है। रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने के बाद। सो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हो जाए या चाहे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो जाए, और उसे आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं हिंदी में, मराठी में या किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप उसे देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपको करना है, आप लिखें गूगल पीडीएफ ट्रांसलेट, आप लिखें सर्च करें ऑनलाइन पर, और यहाँ पे आपको सबसे पहला ही लिंक मिल जाएगा ट्रांसलेट ए डॉक्यूमेंट, दैट इज translate.google.com, और इसे आप ओपन करें। फिर यहाँ पे आप करें चूज फाइल, और जो फाइल आप चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एक फाइल निकाली है सैम्पल रिक्वेस्ट लेटर टू प्रिंसिपल, और ये जो फाइल है आपकी अटैच हो गई। अब आपको ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना है वो भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सो मैं ट्रांसलेट करूँगा हिंदी, और इसे कहेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट दबाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है क्या वो इंग्लिश में है, वो उसका सबूत मैं आपको दिखा दूँ। सो आप देख सकते हैं, एज पर आवर रीसेंट कन्वर्सेशन प्लीज एक्सेप्ट दिस लेटर। सो ये आप देख पाएंगे इंग्लिश में है, और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ट्रांसलेट, और अब आप देख पाएंगे ये बहुत ही तुरंत ट्रांसलेट करता है। सो ये आप देख पाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसलेट होके मिल गया है। हमारी हाल ही की मुलाकात के अनुसार कृपया इस पत्र को, तो देखिए कितना सटीक तरीके से इसने इंग्लिश डॉक्यूमेंट को हिंदी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लिया है। सो दोस्तों, ये वो तरीका है जहाँ पे आप किसी भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, जो लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहें, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करता है। सो ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या जो किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप किसी भी लेटर को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सी जगहों पर, हालांकि इन इंडिया, वहाँ पर कभी कभार हिंदी लेटर्स ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं टू दी गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो ये वो लॉजिक और ये वो तरीका जहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को हिंदी या मराठी या इंग्लिश या किसी भी भाषा में। सो देखते रहे जेनरॉन टेक, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो को। सो आपका दिन शुभ हो।